हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर आज हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्या होता है, यानी कि मैं एक टेक्स्ट एरिया को क्या कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ अपने फॉर्म के अंदर। इनका काम क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट को इनपुट लेना होता है जो इनका काम होता है। यूजली किसी फॉर्म के अंदर कोई फीडबैक लिया जाता है, या फिर आपके कमेंट लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारा मुझे कोई पैराग्राफ लिखवाना है या फिर पैसेज लिखवाना है, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको क्या करना है, फीडबैक देना है, आप कहीं पर कुछ कर रहे हैं, फीडबैक देना हो गया, कमेंट करना हो गया, यानी कि कमेंट करवाना है या फिर करना है, उसके बाद क्या हो गया, पैराग्राफ लिखना हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कोई पैसेज लिखना हो गया, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट एरिया को, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसके जिसके अंदर क्या कर सकता है, जो यूजर होगा वो फीडबैक अपना देख सकता है, कमेंट्स कर सकता है, पैराग्राफ लिख सकता है, पैसेज लिख सकता है। तो इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज करते हैं। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो क्रिएट करने का सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आपको टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज करना होगा। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को लिखेंगे, जिसके अंदर सिर्फ हमें क्या लिखना होता है, एक आईडी लिखनी होती है। आईडी क्यों लिखनी होती है, क्योंकि इसी से हम किसको अटैच कर पाते हैं, जो हमारा लेबल होता है उसको हम अटैच कर पाएंगे। इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने आपको बता दिया, अब इसको हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे सिंपल सा आईडी, यानी कि टेक्स्ट एरिया एलिमेंट आपको क्रिएट करने के लिए आपको आईडी लिखना होगा। इसके बाद इसके साथ बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर, और लेबल कैसे हमने क्रिएट किया है, फॉर एट्रीब्यूट, और जिसमें मैंने सेम आईडी दे दिया है, क्योंकि फॉर एट्रीब्यूट और आईडी का नेम सेम होता है। और मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक, यानी कि अगर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं, आपको वो कैसा लगा, यानी कि आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ से फॉर्म को क्रिएट कर लिया। उस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना एक एक्शन एट्रीब्यूट लेते हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ से सर्वर एक लिंक को क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से मैं एक लेबल को क्रिएट करूंगी। लेबल को क्रिएट करेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं कि लेबल हमारा कैसे डिस्प्ले होगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हमारा आ चुका है, इसके अंदर मुझे क्या देना है, आईडी देना है। आईडी इक्वल मैंने क्या दे दिया, फीडबैक, मैंने एक आईडी नेम दे दिया। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, लेबल के अंदर भी मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट, दोनों को अटैच करेंगे आपस में। तो यहाँ से भी मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, फीडबैक दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, लेबल के अंदर हम एक टेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले के ऊपर क्या होगा, दिखाई देगा, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। वो हमारा क्या होने वाला है, प्लीज गिव, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, यानी आप अपना क्या दीजिए, जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है आप उसको दीजिए। उसके बाद मैंने यहां से इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहां पर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, यहां पर ये ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ अगर हम चाहें तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम इनपुट एलिमेंट के अंदर प्लेस होल्डर को ऐड करते थे, उसी प्रकार से हम इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर को ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, प्लेस होल्डर को ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, हमारे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर राइट योर फीडबैक हेयर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राइट योर फीडबैक, फीडबैक हियर, यानी यहाँ पर आप क्या लिखिए, अपना फीडबैक लिखिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ से मैंने प्लेस होल्डर को भी ऐड कर दिया है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा राइट योर फीडबैक हियर, यानी आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इट वॉज अ
ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने यहां से क्या दे दिया, एक यहां पर फीडबैक दे दिया अपना। उसके बाद मुझे इसको सबमिट भी करना होगा, जिसके लिए हम एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर बटन को क्रिएट कर लिया, यहां पर बटन टैग की हेल्प से मैंने बटन को क्रिएट किया, जिसका टाइप हमने एज अ सबमिट रख दिया। तो मैंने यहां से इसका टाइप क्या ले लिया, एज अ सबमिट ले लिया, और यहां से मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेव करती हूँ। अब क्या करने वाले हैं, हम पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक बटन को क्रिएट किया हुआ। सबसे पहले इसको हम नेक्स्ट लाइन के अंदर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से क्या यूज कर लिया, br टैग का यूज कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं। अब ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी बटन आ जाएगी, राइट योर फीडबैक हेयर। यहाँ पर मुझे अपना फीडबैक देना है। इट वॉज, मैंने दे दिया अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सबमिट किया। अब जैसे ही सबमिट किया, मेरे यूआरएल के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ना कोई नेम दिया है ना कोई वैल्यू दे रखी है। इस वजह से कुछ भी हमारे यूआरएल के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट को भी हम ऐड करने वाले हैं अपने टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर के जस्ट बाद हम क्या ऐड करने वाले हैं, नेम एट्रीब्यूट को यूज करने वाले हैं। नेम हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पर एज अ फीडबैक मैंने दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। इसकी साइज को हम कम करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा दिखाई दे। और यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिखा, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसी को हम लिखते हैं, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मैंने लिखा। और लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, सबमिट किया। अब जैसे ही सबमिट किया, वैसे ही यहाँ पर क्या वैल्यू पास हो रही है, फीडबैक। तो हमारा नेम है, यानी कि जो यूआरएल के अंदर यहाँ पर फीडबैक दिख रहा है, ये हमारा नेम है जो मैंने टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर दे रखा है। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का हमारा क्या है, ये नेम है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पर इट, उसके बाद प्लस, फिर वाज पास हो रहा है, फिर प्लस हुआ है, फिर ए, इस प्रकार से प्लस प्लस करके सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं, यहाँ पर शो हो रही हैं। क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर यूआरएल में हमारे पास ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफॉल्ट जो बॉक्स का साइज होता है, यानी कि इनपुट एरिया एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा, सॉरी, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो बॉक्स है, इसका जो साइज होता है, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास साइज डिस्प्ले होता है, ये इसका साइज क्या होता है, ये जो साइज होता है ये 2 रोज के बराबर होता है, एंड जो कॉलम होता है ये भी 2 होता है। यानी 2 रो एंड 2 कॉलम का क्या होता है, ये हमारे बॉक्स का साइज होता है। आप इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है, यानी जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो इतना होता है। बट आप इसके साइज को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज किस प्रकार से करते हैं, हम इसी टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, रो, यहाँ पर रोज, यहाँ पर किसका यूज करते हैं हम, रोज एलिमेंट, रोज एट्रीब्यूट का। मैंने रोज इक्वल, अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट 2 होता है, मैंने यहाँ पर 5 कर दिया इसकी साइज को। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे रो के स्पेस में क्या हो जाएगा, और ज्यादा रोज यहाँ पर क्या हो गया है, एरिया उसने घेर लिया है। तो यहाँ पर रोज क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। अगर मुझे कॉलम में भी क्या करना है, कॉलम की वैल्यू को भी, कॉलम का एरिया भी इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हम कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ से 30 सेट कर दी। उसके बाद यानी कि हमारे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर क्या होने चाहिए, टोटल 5 रोज का स्पेस होना चाहिए एंड 30 कॉलम का। तो इस प्रकार से मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 रोज का स्पेस हो रहा है और 30 कॉलम का। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्रिएट हुआ है, इसका क्या स्पेस आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके स्पेस को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको नहीं कर रहे होंगे। अभी के लिए हम सिंपल सा इतना ही देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से। जब भी हमें टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से अपने टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपको इसके बॉक्स की साइज को इंक्रीज करना होता है, तो आप रोज एंड कॉल्स 2 एट्रीब्यूट होते हैं, जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले टेक्स्ट एरिया
एलिमेंट को लिया है, उसके बाद आईडी मैंने दिया हुआ है इसके साथ, अगर आप प्लेस होल्डर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेम में अगर बैकएंड में आप इसकी क्या वैल्यू पास हो रही है उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नेम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। और लेबल को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि हमें पता चले कि हम एक्चुअल में क्या वैल्यू यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। इसी प्रकार से आप कमेंट करवाना चाहते हैं तो कमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, कोई पैसेज लिखवाना चाहते हैं तो पैसेज के लिए क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखवाना चाहते हैं तो पैराग्राफ के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर जहां पर आप कुछ भी लिखवाते हैं टेक्स्ट के रूप में, तो वहां पर अगर आपको बॉक्स के टाइप में दिख रहा है तो वो सारा हमारा किसकी हेल्प से क्रिएट होता है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।